बनारस के फूलपुर थाने का एक मामला है, एक परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। थाने पे जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी जो पुलिस है, ये कहा जाता है कि 12 बजे रात को भी कोई फ़ोन करेगा तो उसको मदद मिलेगी। लेकिन ये जो परिवार हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये परिवार लगातार फूलपुर थाने पे पत्रक देने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आज ये लोग मुख्यालय पे आए हुए हैं अपने आप पीड़ा लेकर। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, ये बताइए कि क्या बात है, किस तरीके से थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है कि क्या बोल रहे, सब लोग मारते हैं पीटते हैं। क्यों मारते पीटते हैं? पैसा के लिए खाली सब। किससे पैसा लोग मांगते हैं? हमसे। क्यों पैसा मांगते हैं? मांगते हैं कि तुम लोग कमाते खाते ना, ऐसे ऐसे करते हो, सब लोग मारते पीटते हैं। तो थाने पे आप जाते हैं तो क्या थाने पे? थाने बोलते हैं तुम लोग जाओ, बस यही। हाँ बोलते हैं तुम लोग को सुनवाई नहीं हो, तुम लोग डांट के भगा देते हैं। हाँ, लोग पैसा दे देते हैं। ये कैसे पता चला कि वो लोग पैसा दे देते हैं? तभी ना सर ऐसा, हम लोगों के सामने ऐसा हुआ। देखिए और भी लोग हैं, थोड़ा सा बताइए क्या दिक्कतें हैं हो रही हैं आपको, क्या समस्या है? मेरी लड़की को बरबर प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग जो थाने पर जाते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ थाने में बातचीत करके या फिर बगल से पैसा लेकर के दे देते हैं, हम लोगों को भगा देते हैं। जाओ को दे, योगी राज है। थाने वाले खुद महिला पुलिस से बोले कि योगी का हुआ है यहाँ पर, लोग चाकू मार करके दिन दहाड़े घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ से पैसा दे करके कुछ नहीं, हम लोगों को बैठा रहे, कहते वो लोग गए और तुम भी जाओ यहाँ से, भगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग हैं जिसके साथ आपके आपसे मारपीट होती है? हमारा कृष्णावती देवी है, रेखा देवी है, हमारा मंगला है और प्रदीप है, सनी है। ये सब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, मार देंगे, कुछ नहीं होगा, पैसा भर देंगे, कुछ नहीं होगा। आपके गांव का क्या नाम है? नाम है रघुनाथपुर, पूरा रघुनाथपुर। अच्छा, रघुनाथपुर। तो ये रघुनाथपुर के लोग हैं। थोड़ा सा आप भी बताएं, आपके साथ लोग क्या करते हैं? सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी, बस एक हफ्ता मैं उस घर में ठीक ठाक रही, उसके बाद प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ित करते वक्त मारने पीटने लगे, तो उसके बाद अलग कर दिए। दहेज की भी मांग करते थे, दहेज मांग करते करते मेरे पापा समझाने गए, उसको भी जानबूझ कर पेड़े से षड्यंत्र रचा गया था मारने के लिए। हमसे कहा गया कि बुलाओ अपने बाप को, जब हमने बुलाया तो रात में सब लोग लाठी से मार के उनको बेहोश कर दिए थे और उनका सर फट गया था। मेरे पेट में 2 महीने 2.5 महीने का बच्चा था, उसका भी गर्भपात हुआ। मैं थाने में अपनी FIR दर्ज कराने गई, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। मैं वहाँ पे बेहोश हुई, तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन थाने वाले कुछ भी नहीं सुने। मैं मुकदमा दर्ज कराई कचहरी में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं 20-25 ठो एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। जो ये आंसू निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा है। अगर पुलिस वाले अगर इनकी बातें नहीं सुनते तो बिल्कुल दिक्कत बढ़ती जा रही है। और ये गरीब तबके के लोग हैं और किस तरीके से पूरा परिवार आज यहाँ पर आया हुआ है बस गुहार लगाने के लिए कि थाने से इनकी सुनवाई हो। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि थाने पे हर लोगों की सुनवाई होगी, लेकिन ये गरीब तबके के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और देखिए किस तरीके से ये लोग आज आए हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा भी है, और लगातार ये पत्रक पे पत्रक दिए जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो ये आँख से आंसू झलक रहे हैं, बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ये लोग काफ़ी पीड़ा में हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।